प्लीज 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 नो नो माननीय रक्षा मंत्री जी आप कॉल ऑन रक्षा मंत्री जी नो माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान दें। उपसभापति महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तमाम सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति महोदय, सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री के अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर 2022 को जो घटना घटी उसके बारे में एक विस्तृत वक्तव्य सदन के समक्ष रखा है। माननीय सदस्यगण, हमारी सेनाएं पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ हमारी सीमाओं पर तैनात हैं और उनके सैर